दोस्तों नमस्कार, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको। तो इस वीडियो में आपको लाके लेके आ चुके हैं हम ओवरनेस्ट। ओवरनेस्ट या कॉमन बोल सकते हैं, कॉमन ओवरनेस्ट क्या होता है अपन को गणित में, अगर आपको आप गणित में पढ़ रहे हो तो आपने कॉमन ओवरनेस्ट के नाम जरूर सुनेंगे। जैसे अपने कोई टीचर बोलता है कि इन पदों में से ओवरनेस्ट ले लो, हम इसमें ओवरनेस्ट करेंगे, इसमें जो ओवरनेस्ट उठा लो, तो आपका जो दिमाग शब्द सुन सुन के ओवरनेस्ट होता क्या है, जो ओवरनेस्ट कहलाता क्या, तो जो ओवरनेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ओवरनेस्ट के बारे में बताएंगे, ओवरनेस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है। तो ओवरनेस्ट और कॉमन बात एक ही है, इसको हिंदी में ओवरनेस्ट बोला जाता है, इंग्लिश में कॉमन बोला जाता है। कॉमन से स्पष्ट होता है कॉमन, जैसे हम है बिल्कुल सेम टू सेम, हमारी शक्ल का एक बंदा यहाँ खड़ा होता तो बिल्कुल हमारे एक जैसे होते, तो जे कहलाते कॉमन। और अपन जैसे यहाँ पर भी हमारे शक्ल खराब कोई सेम बंदा है, हम दोनों जन को सेम निकाल दें। जैसे आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने एक्स लिखा, जैसे ये दो पद है, बचे दो पद में अपन एक चीज का देख रहे हैं, एक सौ बिल्कुल अक्षर देख रहा हूँ, कौन सा अक्षर है इसमें, तुमने देखा एक्स है तो इसमें भी एक्स देख रहा है, जे कहलाते हैं ओवरनेस्ट या कॉमन। जो दोनों पदों में मिलते हैं एस ओ, अपन ओवरनेस्ट की परिभाषा कैसे मिलते हैं सकते हैं, तो ऐसी चार या चार अक्षर जो दोनों कोई भी पदों में मिलते हैं, मतलब दोनों पदों में या कोई भी पद में शामिल हो, उसमें शामिल हो, दोनों में शामिल हो, चाहे एक में शामिल हो, सवर्ण में शामिल हो, ठीक है, कोई पद में शामिल हो, एक जैसे हो, तो वे ओवरनेस्ट होते हैं, जिनको अपन उठा लेते हैं, जैसे देखते हैं उनको अपन ओवरनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जिन पदों में अपन को मिल जाए एक जैसे होने, अपन सार बोल लो, सवर्ण में बोल, ठीक है, सार और या अपन ओवरनेस्ट भी बोल सकते हैं और कॉमन भी बोल सकते हैं। जिसमें एक्स है इसमें भी एक्स है, तो जी हमने एक्स निकाला पा रहे हैं, कॉमन लिया, मतलब एक्स मैंने बारह निकाल लो, बारह निकालो, एक्स में बारह निकालो, तो दोबारा अंदर ना जाए, हमने कोष्टक लगा दिया। अब यहाँ से एक्स तो चला गया, तो बचा क्या तीन बस, और प्लस लगा था प्लस, यहाँ से एक्स गया तो क्या बचा वाई बस, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा कॉमन के बाद। आपने देखा तो हुआ कॉमन, हाँ लगाए भी होंगे, जैसे हम आपको बोले छ ए प्लस के दो ए बी, यहाँ इसमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन निकालो, आपको पूरा देखना है कॉमन के लाने, छः के गुणनखंड करो, छः के गुणनखंड करो, तीन गुणा कितने आ जाए दो ए, तीन गुणा दो गुणे ए प्लस दो गुणे ए गुणे बी। अब आपको इसमें दिख रहा है, हमने इनके गुणनखंड कर लाए, इसमें देखो आपको दो ए दिख रहा है, इसमें भी दो ए, तो ये ओवरनेस्ट कहा है, दोनों में तो जो ओवरनेस्ट था जो कॉमन है, तो इनको उठा लो, हमने टू ए निकाला पा रहे हैं, निकाले आ पा रहे हैं। अब बचो को है तीन बचो, अभी जो प्लस था प्लस हो जाएगा, तो बीस बचो, जी आपका हो गया, ऐसा बन जाएगा फिर कॉमन के बाद, ठीक। तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा कॉमन क्या होता है। तो कॉमन लेने से सवाल करने बहुत सहूलियत जाती है, आपको जो पता होना चाहिए, अगर कुछ लगा रहे हैं कॉमन से, आपको कॉमन लगाओ, कॉमन लेके लगाओगे तो आपकी गणित में बहुत हेल्प करता है, आपको जो सवाल लगाओ प्रश्न करो उसमें बहुत मदद करता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न लेना, छ गुणे बारह प्लस के सात गुणे बारह माइनस माइनस के तेरह गुणे बारह, तो आपको इसमें कॉमन में बहुत फायदा मिलती है, इन प्रश्नों में करने में कॉमन से फायदा होती है, क्या होती है कि इनमें से आपको जब इसका पहले गुणा करो वाई सिंह बारह था, फिर इनका करोगे गुणा, फिर इनका करोगे गुणा, फिर आप इनको जोड़ोगे, फिर कहो इनका घटाओगे, तो बहुत टाइम लग जाएगी इतने दिन में। जैसे हमने किया वाई सिंह बहत्तर प्लस बारह सात चौरासी, फिर लिखेंगे तेरह को गुणा बारह में करोगे कितना आ जाएगा बारह छत्तीस, के तीन बारह एकम बारह तीन पंद्रह एक सौ छप्पन आया, तो यहाँ पर बहत्तर चौरासी को जोड़ो कितना हो जाएगा छः आठ सात छप्पन के आठ सात पंद्रह एक सौ छप्पन इसका आ जाएगा, एक सौ छप्पन इसका, एक सौ छप्पन में से एक सौ छप्पन गया तो जीरो हो गया ना, आएगा तो जीरो ही। लेकिन भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं आप लोग, ऐसा इतना टाइम लगा आपने गुणा किया फिर जोड़ा फिर किया, आप तुरंत कर दोगे, देखियो कैसा, इसको तो हटा दिया, फिर आपको देखा इसमें आपने गौर लगा के देखा, बिल्कुल दूरबीन लगा के देखिए कि भाई इस पद में भी ये पद कितने हैं, पद आपको प्लस दिख रहा क्या जगह एक दो जगह, एक तो ना प्लस है सामने आगे प्लस है प्लस 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 कितने पद है तीन, एक एक पद दो पद तीन पद, तीन पद है इसमें, देख रहे होंगे तुम गुणा में लिखा एक पद हो जो गुणा में
है सो ये पद जो होगा एक गुना में जोड़ेगा तो दो तीन पद हो गए, तीन पद हो गए। तो तीनों पदों में तुम्हें सेम नंबर दिख रहा है 12, दिख रहा है ना 12, इसमें 12 इसमें, तो 12 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, 12 गया तो इसके 12 हो गया, यहाँ से 12 चला गया, अब 12 निकल गया, 6 बचा, 6 की का प्लस था वो, तो इसका भी 12 निकल गया, क्या बचा 7 बचा, इसका भी कितना चला गया, इसका भी 12 चला गया तो 13 बचेगा, 13 बचा। अब यहाँ से क्या करोगे, गुणा बच जाता, 7 6 कितना हो जाता 13 माइनस के 13, तो यहाँ पर क्या होगा 12 गुणे 13 में 13 गया 0, तो 12 गुणा 0 बोलोगे 0 ही आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से अगर आपने इनका गुणा नहीं, अगर तो जैसे छोटी छोटी संख्या में अगर बहुत बड़ी बड़ी हो तो फिर आपको तो ऐसे भी बहुत सुविधा जाती है करने में, बहुत ज्यादा सुविधा, ठीक है। और दोस्तों अगर कर्मा को कुछ समझ में आ रही है, वैसे हम बता रहे हैं, हाँ समझा भी कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं आप लोगों को, बस आप लोग हमारा वीडियो शेयर कर दो कर्मा, ठीक है। तो एक बार हम अच्छा बड़ा सा ले रहे हैं, तो 125 गुणे 25 और ठीक है 120 गुणे 25, तो आप लोग अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, देखो गुणा करोगे टाइम लगेगा, ठीक गुणा से अपनाओगे तो भाग ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप क्या लाओगे, इसमें देख रहा है आपको उभयनिष्ठ 25 है, तो 25 उठाया आपने, कोष्ठक लगाए 125 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस था, माइनस हो 120 आप कर दोगे, आप डायरेक्ट आंसर बोल दो कितना आएगा 125 आएगा, 25 मान से कितना होता है 125, चाहे जैसा कर लो आपका आएगा उतना ही आएगा, इतना ही चाहे 600 कर लो, गुणा करोगे पहले इसका गुणा इसमें करो, फिर यहाँ पे उसकी जगह इसकी गुणा इसका करो, तो यहाँ पे इसकी फिर आप घटाओगे कम जब जाए घटाओगे, लेकिन आप ऐसा कर दोगे तो आप उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ करोगे ना तो बहुत ज्यादा सरल लगता है, जो उभयनिष्ठ बहुत सिंपल कर देता है, इसलिए इसको पहचानना इसको जानना बहुत जरूरी होता है उभयनिष्ठ या कॉमन को, आपको कॉमन उभयनिष्ठ लेना बनता तो आदि गणित तो आप सीख ही जाओगे, पहले आपसे आदि बनती है, इतनी जा रही है गणित में बहुत महत्वपूर्ण देती है, तो इसलिए जो आप सीख लें जरूर उभयनिष्ठ और कॉमन लेना आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो कुछ समझ में आया इसमें, तो गणित ऐसे अंकन में तो आपको चल गया, इसमें तो मदद करते ही करते हैं, आप चार राशि में भी मदद करते हैं, बीज गणित लगाओगे तो बीज गणित में भी फुल मदद करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लिखे होंगे 5xy+k 5yz, ठीक है 5yz और वो कुछ भी लिखा है, अब नहीं नाम दो तो कुछ नहीं है, तो इसका कह दे कि इसको सॉल्व कर कुछ भी करो, तो इसका मान कुछ भी पूछ दे और कुछ ना पूछे तो इसमें आपको क्या करना है, इसके आगे नहीं पूछो बनना है, तो आपको इसके आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ी सा इसको सरल करें और भी सरल क्या कर सकते हैं, आपको इसको क्या कर सकते हैं, नहीं इनमें कुछ मुझे हम कॉमन लेवल बता रहे हैं, ठीक है समझा रहे कॉमन खड़ा, तो आपको इसमें दिख रहा है 5 फिर गुणा लगाओ x गुणा लगाओ y प्लस 5 गुणे y गुणे z, तो आप इसमें आप कॉमन ढूंढ लो, आपके लगे सुविधाजनक हो जाएगा, 5 इसमें 5 इसमें 5 ई में भी है 5 ई में भी है, मिल गया पहला y इसमें भी है y इसमें है, तो ये 5y उठा लो, 5y हमने निकाला y कोष्ठक लगा दिया, ठीक है फिर x बचा था x प्लस जेड बचो जेड लगा दो, लो जी इसका आंसर हो जाएगा, कोई पूछे इसके गुणनखंड निकालो 5xy+5yz के गुणनखंड निकालो, तो भाई इसके गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं, इसे गुणा में लिख दिया इसके गुणनखंड हो गई, क्या गुणनखंड है एक दो एक है गुणनखंड, एक है गुणनखंड, गुणनखंड निकल आए, मुझे जाते हैं तो कहीं नहीं बैठ पहुंच दे जाते हैं, तो आपसे बनना चाहिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सर हमें।